हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डे स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म and what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third, tenth and nth term. Given kya hai hame, if the sum of first n term of an AP SN is equals to 4n minus n square. ठीक है, हमको first term find करनी है, second term find करनी है, third term find करनी है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है और एनथ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, यही फाइंड करना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड एनथ टर्म। एसएन गिवन है हमारे को, एसएन का मतलब क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम। तो मैंने पुट कर दिया, पुट एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू वन पुट कर दिया, फोर इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, एस वन फोर माइनस वन, देन एस वन इक्वल्स टू थ्री। एस वन का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम दैट मीन्स क्या है, वो एक फर्स्ट टर्म ही है। ठीक है, तो एस वन इज इक्वल टू ए वन इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गई, थ्री। ठीक है, पुट एन इक्वल टू टू, टू पुट किया हमने, इसको वन दे दिया और इसको टू दे दिया इन इक्वेशन फर्स्ट। देन एस टू इज इक्वल टू फोर इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, देन एस टू फोर टू जो एट माइनस टू का स्क्वायर फोर, देन एस टू इक्वल टू फोर, देन एस टू का मतलब क्या हो गया, टू टर्म का सम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू इक्वल टू फोर। ठीक है, एस टू को क्या लिख दिया, ए वन प्लस ए टू, एस टू का मीन्स क्या है, टू टर्म का सम। अब यहाँ पे ए वन की वैल्यू कितनी पुट कर दी, पुट ए वन इक्वल टू थ्री पुट कर दिया इसमें, थ्री प्लस ए टू इक्वल टू फोर, देन ए टू इक्वल टू फोर माइनस थ्री, देन ए टू इक्वल टू वन। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास कितनी, थ्री, एंड सेकंड टर्म ए टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए थ्री, ए टेन और ए एन। तो ए थ्री फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ए और डी की। डी फाइंड कर सकते हैं हम, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, देन डी इक्वल टू ए टू वन, ए थ्री थ्री, देन डी इक्वल टू माइनस टू। फाइंड क्या करना है, ए थ्री, ए थ्री मीन्स ए प्लस टू डी, पुट ए इक्वल टू ए वन विच इज इक्वल टू ए थ्री, एंड डी इक्वल टू माइनस टू पुट कर दिया इसमें, थ्री प्लस टू इंटू माइनस टू, देन ए थ्री इक्वल टू थ्री प्लस माइनस माइनस फोर, ए थ्री इक्वल टू माइनस वन। क्लियर, सेकेंड हमको क्या फाइंड करना, ए टेन, ए प्लस नाइन डी, पुट ए इक्वल्स टू थ्री, डी इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर दिया, थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन इंटू माइनस टू, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, ए टेन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ए एन, ए एन का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुट ए इक्वल्स टू थ्री, डी इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर दिया हमने, ए एन थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू, ए एन थ्री प्लस माइनस माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव माइनस टू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए एन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6,
6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर का हमको सम फाइंड करना। द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर, 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। और इनके नंबर्स कितना है, n कितना है 40, इसका सम हमको फाइंड करना है। तो Sn के लिए किस किस की जरूरत होती है, a1 विच इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 6, a2 इक्वल्स टू 12 एंड n इक्वल्स टू 40 गिवन है। d फाइंड कर लेंगे हम, a2 माइनस a1 देन d इक्वल्स टू 12 माइनस 6 देन d इक्वल्स टू 6। Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d, put n equals to 40, a equals to 6 and d equals to 6. As 40, 40 upon 2, 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6. As 40, 40 upon 2, 20, 12 plus 39 into 6. सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस 40, एस 40 का मीन्स क्या हो गया, 6 से डिविजिबल फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलियर है। क्या कह रहा है 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 से 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हमको सम फाइंड करना। द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो n कितना हो गया 15, मल्टीपल्स कितने हैं 15 है, तो a1 विच इज इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू 16 और n हमें कितना गिवन है 50। सम फाइंड करना है इसका, दैट मीन्स Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d, put n equals to 15, a equals to 8 and d equals to, d क्या होगा यहाँ पे, a2 minus a1 then d equals to 16 minus 8 then d equals to 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8। as 15 upon 2 2 into 8 plus 15 minus 1 into 8. As 15 upon 2, 16 plus 14 into 8. As 15 upon 2, 2 common nikal liya, 8 plus 14 into 4. As 15, 8, 15 into 16, 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। क्लियर। 13 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना। द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स
of 8 are 8 के 15 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 8 ठीक है, अब ए कितना हो गया, नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो गए 15 ठीक है, ए वन विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 8, ए टू इक्वल टू 16, देन डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, देन डी इक्वल टू 16 माइनस 8, देन डी इक्वल टू 8 ठीक है, एस एन फाइंड करना हमको, एन बाई टू 2a plus n minus 1 into b. Put n equals to 15, a equals to 16, d equals to 8. Then as 15, 15 upon 2, 2 into 16 plus 15 minus 1 into 8. Simplify करेंगे और किसकी value आ जाएगी, as 15 की ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. 0 और 50 के बीच में आने वाले ओड नंबर का हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. द लिस्ट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, 0 से 50 के बीच के ओड नंबर क्या हो गए, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, लास्ट ओड नंबर क्या होगा 49 ठीक है. अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो सम फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ए की, एन की और डी की, तो ए और डी तो इससे आ जाएगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है हमें पता नहीं है. तो ये लास्ट नंबर की टर्म जिस नंबर की है, अगर ये हमें पता चल जाए तो क्या आ जाएंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन आ जाएगा. तो ए वन कितना गिवन है, 1, ए टू इज इक्वल टू 3 एंड ए वन गिवन है 49 ठीक है, देन डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, then d equals to 3 minus 1, then d equals to 2. an is equals to 49. an means kya ho gaya? a plus n minus 1 into d equals to 49. Put a equals to 1, d equals to 2. 1 plus n minus 1 into 2 equals to 49. n minus 1 into 2, 49 minus 1. n minus 1 into 2, 48. Simplify kiya. n minus 1, 48 upon 2. Then n minus 1, 24. Then n equals to 24 plus 1. Then n equals to 25. So, aise kitne number hai? 0 aur 50 ke beech mein odd number? 25. Hame to kya find karna hai iska? Sum find karna hai. To sum ke liye kya formula kya hota hai? Sn, n by 2. 2a plus n minus 1 into d. Put a equals to 1, d equals to 2 and n equals to 25. Value put kar di, as 25, 25 upon 2, 2 into 1, 25 minus 1 into 2. Simplify kiya isko, 25 upon 2, 2 plus 24 into as 25, 25 upon 2, 2 common nikal diya, 1 plus 24, 2 se 2 cancel ho gaya, as 25, 25 into 24 plus 1, 25, 25 into 25, 625. To 0 se 50 ke beech ke odd number ka sum kitna ho gaya, 625. तो हमें क्या करना था, इसके बीच में आने वाले ओड नंबर का सम फाइंड करना था. तो लास्ट ओड नंबर क्या था, 49. अब ये 49 कौन से नंबर की टर्म है वो हमें पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया उसको, nth नंबर की टर्म, और उससे क्या निकाल दी, नंबर ऑफ टर्म्स. और हमें क्या फाइंड करना था, sn फाइंड करना था, और sn में क्या किस किस की जरूरत होती, a की, n की और d की. वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, s 25 कितना आ गया, 625.
5. Next question number 15. क्या कह रहा है 15? A contract on construction jobs specify a penalty for a delay for completion below a certain dates as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day, how much money the contractor has to pay for penalty if he has delay the work for 30 days. एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, किसी काम को करने में डिले कर देता है, तो उसकी पेनल्टी फर्स्ट डे के लिए 200 रुपीज लगती है, सेकंड डे के लिए 250 रुपीज लगती है, एंड ऑन थर्ड डे के लिए 300. दैट मींस ईच नेक्स्ट डे के लिए उसकी कितनी पेनल्टी बढ़ जाती है, 50 रुपीज. ऐसा वो काम को कितने दिन तक डिले करता है, 30 डेज के लिए. तो हमें ये फाइंड करना कि उसने टोटल पेनल्टी के लिए कितना पेमेंट पे किया है. दैट मीन्स हमें एस 30 फाइंड करना है. तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, रुपीज 200. पेनल्टी फॉर सेकंड डे रुपीज 250. पेनल्टी फॉर थर्ड डे रुपीज 300. ठीक है, दैट मीन्स ए वन कितना हो गया 200, ए टू इक्वस टू 250 एंड ए थ्री इक्वस टू 300. ठीक है, और कितने दिन के लिए वर्क को डिले किया, 30 डेज. ठीक है, हमें सम फाइंड करना है कि उसको उसने कितना पेमेंट पेनल्टी के रूप में दिया है. तो डी कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन, देन डी इक्वस टू 250 माइनस 200, देन डी इक्वस टू 50. ठीक है, डी आ गया ए वन विच इज इक्वस टू ए, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. पुट एन इक्वस टू 30, ए इक्वस टू 200 एंड डी इक्वस टू 50. पुट कर दिया एस 30, 30 अपॉन टू, टू इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू 50. सिंप्लीफाई किया एस 30, 15, 400 प्लस 29 इंटू 50. सिंप्लीफाई करेंगे इसको और इसकी वैल्यू आ जाएगी एस 30 की. तो एस 30 क्या हो गया, 30 डेज के लिए उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ी उसकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर, तो ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 20 तक अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रिलेटेड पोर्शन है. तो इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो आप सबको सिंप्लीफाई करना है और ये चैप्टर यही समाप्त होता है. मिलते हैं अगली क्लास में. धन्यवाद.